दोस्तों आपका स्वागत है। आज के हम वीडियो सी प्रोग्रामिंग के सिलेबस में सीखने वाले कि ऐड टू इंटीजर ऑफ वैल्यू मींस दो वैल्यूज को जोड़ने का हम किस तरीके से प्रोग्राम बना सकते हैं। साथ ही साथ इसमें हम एक ही प्रोग्राम से हम उसके चार प्रकार के प्रोग्राम कैसे बना सकते हैं वो चीज इसमें हम समझने वाले और एक्सप्लेन मैं करूंगा मेरे व्हाइट बोर्ड पे बड़े इजीली तरीके से और आपको समझ में भी आ जाएगा कि ये किस तरीके से काम करता है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया था कि स्ट्रक्चर किस तरीके से आपको बनाना होता है। तो अगर हम बात करते हैं तो हमारा प्रोग्राम है एड टू इंटीजर, यानी कि ये इंटीजर क्या होता है। अगर इंटीजर की अगर हम बात करते तो अगर आप लोगों ने छठी सातवीं आठवीं या क्लासेस में आपने पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि पूर्णांक संख्या क्या होती है। उन पूर्णांक संख्याओं को ही इंग्लिश में इंटीजर कहा जाता है। किसको? पूर्णांक संख्याओं को। पूर्णांक संख्याएं भी दो प्रकार की होती है, एक धनात्मक एक नकारात्मक, मीन्स एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव वैल्यू होती है जो इंटीजर के नाम से मीन पूर्णांक संख्याओं को कहा जाता है। तो हाँ, यहाँ पर हम पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा हैच इंक्लूड स्टूडियो डॉट हैच। ये चीज किस काम में आती है, ये चीज आपको मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था कि इसमें हमारी लाइब्रेरी होती है जो फंक्शन को एग्जीक्यूट करवाने के लिए इसमें फाइलें अवेलेबल होती हैं। देन सेकेंड वॉइड मेन मीन्स प्रोग्राम का मेन फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद हमने बनाया था ब्लॉक ऑफ द स्टार्टिंग कर्ली ब्रैकेट। यहाँ पर हमें क्या बताना होगा कि हमें सबसे पहले हमें इंटीजर्स को फिक्स करवाना होगा कि जिसके थ्रू हमें ये चीज मिल सके। तो अगर हम इंटीजर को यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको इसके सी लैंग्वेज के आधार पे आपको उसमें शॉर्ट में लिखना होता है आई एन टी इंटीजर एंड देन स्पेस देके मैंने लिखा ए बी एंड सी, या सी की जगह मैं लिख सकता हूँ सम। सम यानी कि ऐड कराना, तो यहाँ मैंने लिखा सम। अब यहाँ सोच रहे होंगे कि मैंने ए बी सी क्यों लिखा है। तो अगर आपको याद हो कि आप बीजी गणित में अगर आपने पढ़ा होगा कि उसके अंदर रखी हुई वैल्यू में आपको चर और अचर नाम की जो वैल्यू होती है वो किस तरीके से वर्क करती है। तो जैसे यहाँ पर हमने ए और बी लिखा है तो ए बी और सम ये सब क्या है, चर वैल्यू है। यानी कि इन नाम के अंदर हम किसी भी प्रकार की वैल्यू को स्टोर करा सकते हैं और यह समय समय पे भी क्या होती रहती है, परिवर्तन होती रहती है। ये आप लोगों को पता होगा क्योंकि ये सिलेबस में मीन्स सेवन स्टैंडर्ड की बुक्स में भी आपको ये गणित ये बीजी गणित में आपको ये सीखने को मिलता है कि x इक्वल टू या x प्लस टू ये चीजें आपने पढ़ी होंगी तो वहां पर आपको समझ में आ जाएगा। देन आफ्टर यहाँ पर हमारा प्रोग्राम कहता है कि हमने यहाँ पे चर वैल्यू को स्टोर करवा लिया है। अब हम यहाँ पर यूजर के थ्रू हम वैल्यूज को क्या करवाएंगे, प्राप्त करेंगे। तो उसके लिए आपको सबसे पहले यूजर से पूछना पड़ेगा कि आप चाहते क्या है। मीन्स यूजर से हम क्या लेंगे, वैल्यूज लेंगे। अब वैल्यूज लेने के लिए हमें उसको ये मैसेज दिखाना होगा कि भाई हमें वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर लिखा हमने प्रिंट ऑफ कर्ली ब्रैकेट फर्स्ट वैल्यू कर्ली ब्रैकेट डबल कोटेशन ब्रैकेट बंद किया और कोटेशन लगा दिया। तो यहाँ पर हमने मैसेज प्रिंट किया मीन्स जब ये प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो तुरंत आपसे वो पूछेगा कि भैया मुझे पहली वैल्यू चाहिए। लेकिन पहली वैल्यू भी इसमें किस तरीके से स्टोर होगी, उसको स्टोर कराने के लिए मीन्स लेने के बाद वो क्या प्रोग्राम करेगा, उसके लिए आपको यहाँ लिखाना होगा स्कैन एफ एंड डबल कोटेशन के अंदर परसेंटेज डी। जब भी आप इंटीजर नाम के शब्द को यूज करेंगे तब आपको हमेशा परसेंटेज डी ही लगाना है। इसके बारे में भी मैं जब हम डेटा टाइप्स पढ़ेंगे तब मैं आपको इसके बारे में बड़े एक्सप्लेनेशन के साथ समझाऊंगा कि ये क्यों यूज होता है। परसेंटेज डी लेने के बाद यहाँ पर लगाएंगे एंड और इस नाम को यहाँ पर करवाएंगे स्टोर ए। यानी कि अगर मैं इसका एक्सप्लेनेशन अगर आपको समझाऊं तो इसका एक्सप्लेनेशन कहता है कि
ये मैसेज जैसे ही आपको आउटपुट में मिलेगा तो वो उसको वैल्यू देगा, तो वैल्यू देते ही उसको वो क्या कर रहा है, स्कैन करवा रहा है, मींस आइडेंटिफाई करके स्कैन कर रहा है। स्कैन करने के बाद वो उसको चेक कर रहा है कि वो इंटीजर वैल्यू है, क्या है, इंटीजर वैल्यू, मींस विदाउट डेसिमल वाली वैल्यू होगी उसे इंटीजर वैल्यूज कहेंगे। उस वैल्यूज को वो लेगा, तो यहाँ पर लिखा है एक कि जो यहाँ पर ऊपर इंटीजर रखा है उसमें इस वैल्यू को क्या करवाना है, स्टोर मींस सेव करवाना होगा। तो उस सेव करवाने के लिए तो ये पूछ रहा है कि ये ए कहाँ पर रखा है, तो उस ए कहाँ रखा है उसके लिए हमने यहाँ यूज किया एंड सिंबल। ये जो एंड सिंबल है ये देता है एड्रेस ऑफ द चर मींस इंटीजर नेम को कि चर वैल्यू कहाँ पर रखी, उसमें इस वैल्यू को स्टोर करवाओ, ये एड्रेस डिफाइन करवा कि ये यहाँ पर आके सेव करा रहा है। तो इसी प्रकार से हमने पहली वैल्यू यूजर से ले ली है, दूसरी वैल्यू किस तरीके से लेना, सेम यही मेथड होगा, प्रिंट ऑफ सेकेंड वैल्यू और स्कैन ऑफ करवा दिया डबल क्वोटेशन में परसेंटेज डी एंड सिंगल कोमा और बी। तो ये हमने सेकेंड वैल्यू भी क्या करवा ली, स्टोर करवा ली है, मींस पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू, मींस दो वैल्यूज को मैंने स्टोर करवाने के बाद मुझे उसको क्या करवाना है, जोड़ना है, सम करवाना है। तो सम कराने के लिए मैंने यहां लिखा सम इक्वल, इक्वल क्यों लिखते हैं, अब हमें यहाँ पर फिर से वही फंक्शन करवाना पड़ेगा जैसे आपने बीजगणित में पढ़ा होगा a प्लस बी या x प्लस y, तो सेम यहाँ पर हम करवा रहे a प्लस बी, यानी कि a प्लस बी और उसको बंद कर दे, मींस इसके अंदर जो वैल्यूज आई है वो वैल्यूज यहाँ पर क्या हो रही है, जुड़ रही है, उनको हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, उस जोड़ को इक्वल करवा के उस वैल्यू को हम किस में स्टोर करवा रहे हैं, सम के अंदर। वो वैल्यू जुड़ने के बाद सम के अंदर सेव हो जाएंगी और वो ऑटोमेटिकली अब उसको हम क्या करेंगे, आउटपुट में दिखाएंगे कि भाई इसका आंसर क्या है वो हमें बताइए। तो आउटपुट लाने के लिए हमेशा क्या यूज होगा, प्रिंटफ यूज होगा, ये अंदर का फंक्शन है और ये जो शो कराने का फंक्शन है वो है प्रिंटफ का। तो हमने यहाँ पे वापस लिखा प्रिंटफ डबल कोटेशन टोटल इक्वल परसेंटेज डी कोटेशन सिंगल कॉमा, तो ये क्या है, सम, वैल्यू किसमें स्टोर हुई, सम के अंदर, तो सिंगल कॉमा करके यहाँ लिखा सम और ब्रैकेट बंद किया। देन अब ये जो हमारा प्रोग्राम ऊपर चालू हुआ था ब्लॉक का, उसको बंद करने से पहले हमें इसको बताना होगा कि भाई प्रोग्राम यहाँ से गेट करके क्लोज करवा दो, तो यहाँ पर ये प्रोग्राम बंद हो जा रहा है। तो इस तरीके से ये जो प्रोग्राम आपको दिख रहा है, अगर आप टर्बो के अंदर से लाइव प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आप सेम टू सेम लिखिए 100% वो आपका रन हो जाएगा। अब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवाएंगे तो आपका आउटपुट क्या होगा, तो आउटपुट की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको आउटपुट में मिलेगा फर्स्ट वैल्यू यूजर से मांगेगा तो वो देगा वैल्यू इक्वल सपोज 10 दिया, सेकेंड वैल्यू हमने प्रिंट करवा दी 20 और सम करवाने का जो आंसर आएगा, तो यानी कि आंसर में आपको मिलेगा टोटल इक्वल 30 आंसर। इस तरीके से आपका आउटपुट ये आएगा और इनपुट आपका ये प्रोग्राम आपको दिखाई देगा और बड़ी आसानी से ये प्रोग्राम बना सकते। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो जो ऑपरेटर्स होते हैं, तो उसमें ऑपरेटर्स की अगर हम बात करते हैं, इसमें अभी हमने प्लस ऑपरेटर मींस एडिशन ऑपरेटर का उपयोग किया था, और अगर हम सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर का यूज करना चाहते हैं, सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई का करना चाहते हैं, मल्टीप्लाई या डिवाइड का यूज करना चाहते हैं, तो आप किसी का भी यूज कर सकते हैं इस प्रोग्राम के अंदर। अभी हमने ऐड का यूज किया, इसलिए हमने यहां पर एडिशन का यूज किया है। अगर सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, अगर मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, अगर डिवाइड करना है तो डिवाइड कर दीजिए, यानी कि आपका चार के चार प्रोग्राम एज ए थिंग सेम टू सेम तरीके से चार प्रोग्राम आपके बन सकते हैं बड़ी ही आसानी से। आई होप यू दोस्तों आपको समझ में आया हो किस तरीके से हम सिंपल तरीके से एड टू इंटीजर वैल्यू को
हम करवा सकते हैं प्रोग्राम सी के अंदर, टर्बो के अंदर। अगर आपको इस चीज को अपने टर्बो के अंदर प्रैक्टिकली कीजिए, अगर किसी भी प्रकार का आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको उस कमेंट का डाउट क्लियर करूंगा। आई होप यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।